बच्चों, आज हम अर्थशास्त्र के अंदर कक्षा 11वीं में आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण पढ़ रहे हैं। उसमें हमने ये देखा था कि कल जो हमने देखे थे वो टेबल किस तरह से उसमें अंकित किया जाता है। अब वो टेबल को जो हम आरेखित रूप में, मतलब वो दंडा जो ये दिया हुआ, ये देखेंगे आप आंकड़ों का आरेखी प्रस्तुतिकरण। तो उसमें हम देखेंगे, सबसे पहला, ये पहला है दंड आरेख। दंड आरेख मतलब जो एक डंडे के रूप में दिखता है। ये आप देख रहे हैं कि ये पूरा जो दिखाया जा रहा है ये क्या है, ये दंडारेख में है। अब इसमें ये आंकड़े दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर स्त्री है, पुरुष है, फिर स्त्री है, फिर पुरुष है, व्यक्ति व्यक्ति है। ये सारी चीज़ें जो हैं, हम यहाँ पर आंध्र प्रदेश, अमन, बिहार, जो आंकड़े यहाँ दिए हुए हैं उसको हम दंडारेख के माध्यम से इस तरह से भी हम समझा सकते हैं या उसको प्रदर्शित कर सकते हैं, जो समझने में आसानी हो जाती है। फिर उसके बाद हम देखेंगे बहुदंडारेख। बहुदंडारेख का मतलब ये है, एक से अधिक चीजों को हम उसमें दिखा सकते हैं या उसको समझा सकते हैं। इसमें अब आप देखेंगे कि इसमें स्त्री पुरुष दोनों को दिखाया गया है। पहले वाले में हमने सिर्फ पुरुष को देखा था, इसमें आप देखेंगे कि दोनों को दिखाया गया है, जिसमें कि आंध्र प्रदेश है, असम है, बिहार है। इसमें आप ये देख रहे हैं कि ये दो, मतलब ये बहुदंडारेख है। उसी तरह से दूसरा एक और बहुदंडारेख है ये। इसमें हम खड़े में ही उसको दो तीन प्रकार से, हम जैसे कि हम महिला साक्षरता या नामांकन वस्तुओं की जो नामांकन प्रणाली है, कितनों ने प्रवेशित ले लिया या नामांकन करवा लिया और कितनों ने नहीं कराया है, तो उस चीज़ को हम ये वाले की सारणी के माध्यम से या रेखा चित्र के माध्यम से, जो दंडारेख है उसके माध्यम से हम इसको समझा सकते हैं। इस तरह प्रदर्शित करने पर हम आसानी से समझ सकते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है 91.5 जो बच्चे हैं उन्होंने नामांकित करा लिया है, 8.5 बच्चों ने नामांकित नहीं कराया है। अब इस चीज़ को दर्शाने के लिए हमें इस तरह से ये हमें बताना होगा, जिससे कि हमें समझ में आ जाए कि ये जो ऊपर ब्लैक है वह क्या दर्शा रहा है और नीचे का जो खाली है वह क्या दर्शा रहा है। इसी तरह से इसमें भी है कौन से सन का क्या है और कैसे समझाया जा रहा है। इस तरह से हमें क्या है, ये जब हम दंडारेख में देखेंगे और चारणी देखेंगे, दोनों को हम आसानी से फिर समझ लेंगे। फिर उसके बाद है वृत्तारेख। वृत्त से ही समझ में आ रहा है कि ये वृत्त, वृत्त मतलब गोल। जब हम वृत्त पढ़ते हो, आप लोग गणित में पता है कि वृत्त क्या होता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कार्य स्थिति के अनुसार जो जनसंख्या का वितरण किया गया है वह कैसे किया है। जैसे सीमांत श्रमिक है, मुख्य श्रमिक है, गैर श्रमिक है, कुल इतने हैं, तो इसमें ये प्रतिशत के रूप में है। आप यहाँ देख रहे हैं कि मुख्य श्रमिक की रेखा कैसी खींची हुई है, सीमांत की कैसी खींची हुई है और गैर श्रमिक के कैसे खींची हुई है। अब इसमें हम देखेंगे ये सारी चीज़ें, हम ये वृत्त में जो पूरा आंकड़ा जो है, ये 102 का जो है वह पूरा हम एक वृत्त के माध्यम से उसको आसानी से समझा सकते हैं कि ये पूरी जनसंख्या को दर्शा रही है और कितने कितने करोड़ जो हैं वह जो मुख्य श्रमिक है, गैर श्रमिक है, उसको हम आसानी से समझ सकते हैं। फिर अब इसके बाद देखेंगे आयत। आयत आपको पता है कि आयत ऐसे बनता है ना, तो आयत के माध्यम से हम भी उसको आसानी से हम समझा सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ दैनिक मजदूरी, जो हमने टेबल पहले आपको बताया था कि बारंबारता कैसे बनाए थे, बारंबारता ये बनी हुई है। अब इसमें हम देखेंगे कि ये 2, 4, 6, 8 ये एक्स रेखा है और यहाँ पर ये 0 है, तो हम इसको किस तरह से समझा सकते हैं। अब जैसे 2 है, 2 में कितना है, ये 44.5, मतलब इसके बीच का जो है वह 44.5 है, 49.5। ये जो एक एक पॉइंट जो ये दी हुई है, आप लोग जब ग्राफ में गणित में करते हैं तो ये ग्राफ जब बनाते हैं तो उस वजह से आप लोग को ये आसानी से समझ में आएगा कि हम यहाँ पर जैसे 2 है तो ये 2 इसका यहाँ से यहाँ आ गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है उसमें 3 है, 3 का जो है तो ये दोनों के बीच में यहाँ पर 3 आया, तो आप देख रहे होंगे कि ये जो रेखा है ये 3 के सीध में है। इस तरह से ये एक दूसरे को जोड़ते चले जाएंगे, ये एक आयत बनता हुआ चला जाएगा। फिर उसके बाद है बारंबारता वक्र। बारंबारता वक्र में आप लोग ने देखा होगा कि जब एक वर्ग आवृत्ति दी हुई है, यहाँ पर 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, तो जो बारंबारता यहाँ बढ़ती चली जाएगी, तो यहाँ पर 2 है, 4 और 2 ये 6 हो गया, 6 और 6 ये 12 हो गया। इस तरह से ये क्या है, ये बारंबारता आवृत्ति जो है वो बढ़ती चली जाएगी। तो ये जो है, हम ये जो रेखा दिख रही है ये बढ़ती हुई जो दिख रही है, ये बारंबारता आवृत्ति है। तो इसको हम दैनिक मजदूरी को जो सतत वर्ग के रूप में हम इसको परिवर्तित करके समझा सकते हैं और आसानी से हम भी समझ जाते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे ये तोरण। जैसे अभी पिछले उसमें अभी देखा आपने टेबल उसमें कि आयत वक्र को हमने किस तरह से वो बढ़ते हुए उसमें
ये से कम को दर्शा रहा है, ये से अधिक को दर्शा रहा है, जिसमें गणित से प्राप्तांक अंकों की बारंबारता जो है ये कम को दर्शा रहा है और ये अधिक को दर्शा रहा है। उसी प्रकार से हम देखेंगे से अधिक और से कम, ये दोनों को ही हमने क्या किया है यहाँ पर एक साथ दर्शाया गया है। इस तरह से हम संचयी बारंबारता को जब हम देखेंगे तो घटते क्रम में और बढ़ते क्रम में दोनों में ही हम आसानी से इसको समझ सकते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे अंकगणितीय रेखा चित्र। जो अंकगणितीय रेखा चित्र है उसको भी हम ये ग्राफ के माध्यम से आप देख रहे होंगे, ये जो है 77 और 78 में, यहाँ पर देखेंगे 78 79 ये पूरा दिया हुआ है, यहाँ पर निर्यात और आयात दिया हुआ है, तो ये दोनों ही चीज़ें यहाँ पर दर्शा रही हैं। यहाँ पर ये आप देख रहे होंगे ये निर्यात और आयात को, जैसे निर्यात को उनने स्क्वायर में और कट करके दिखाया है और आयात को त्रिभुज में दर्शाया है। इस तरह से हम देखेंगे कि जो आंकड़े यहाँ पर होते जा रहे हैं ये बिंदु रखते चले जा रहे हैं, आयात बढ़ा है, फिर ये दो रेखाओं के माध्यम से आयात और निर्यात को दोनों को ही हम रेखा चित्र के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। फिर उसके बाद ये आप लोग के लिए गृह कार्य है, ये जो दंडाकृति ये सारी चीज़ें जो दिखाई गई हैं कैसे बनाना है, ये सारे क्वेश्चन हैं ये आप लोगों को कॉपी में करना है और इसको पूरा नोट करके आप लोग को फिर व्हाट्सएप में भेज कर बताना भी है।